राजकीय होम्योपैथिक नारीबाड़ी 50 वर्षों से चल रहा है। खंडहर किराए के मकान में प्रयागराज नारीबाड़ी राजकीय होम्योपैथिक 50 वर्षों से किराए के कमरे में चल रहा है, जहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना कि पानी की व्यवस्था। अगर कोई महिला दवा कराने आए तो बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। यहां पर वार्ड बॉय फार्मासिस्ट के नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नारीबाड़ी होम्योपैथिक चौकीदार के पद पर नियुक्त कृपा शंकर ने बताया कि यहाँ पर हम सवेरे ही आकर अस्पताल खोलकर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हमारी 3 महीने की वेतन अभी तक नहीं मिला है और यहाँ पर वार्ड बॉय फार्मासिस्ट भी नहीं है। हम आपको बता दें कि नारीबाड़ी में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल सन 1975 में खोला गया था। लगभग आज 50 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक 2 कमरे तक अस्पताल के लिए नहीं बनाए जा सके हैं, जबकि नारीबाड़ी में सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। विभागीय अधिकारी और सरकार चाहे तो आराम से बनाया जा सकता है। इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी व आम जनमानस के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। नारीबाड़ी में दवा लेने के लिए कई गाँव के लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन तमाम सुविधाओं से वंचित नारीबाड़ी का राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल एक खंडहर कमरे में चल रहा है, जिसके कारण आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।